नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां रांची आए और उन्होंने यहां मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हालांकि मकसद जो साफ तौर पर दिखता है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जो सामने साफ तौर पर दिखता है वो ये है कि दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसे केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए एक तरह से निरस्त कर दिया या उसे दरकिनार कर दिया, और ये अध्यादेश राज्यसभा से पास न हो, पारित न हो, इसके लिए वो यहाँ रांची आए और इसके पहले कई जगहों पर विपक्ष, जहां भी विपक्ष की सरकार है वहां पहुंचे समर्थन जुटाने के लिए। अब ये एक दिलचस्प पहलू है कि क्या ये सिर्फ यही कारण है या इसके पीछे और भी कुछ है, हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। लेकिन इतना तो जरूर है कि ये विपक्षी एकता के लिए लिटमस टेस्ट होने वाला है। राज्यसभा में अगर ये बिल पारित नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि विपक्ष अपने तरह से एक जीत हासिल कर लेगा, लेकिन अगर किसी भी तरह से सत्ता पक्ष इसे पारित करने में सफल हो जाता है तो यह विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा। और इसकी टाइमिंग आप मार्क करें, यह 2024 के ठीक पहले होगा। तो जो विपक्षी एकता को लेकर जितनी बातें उठ रही हैं इस पर एक सवाल या निशान जरूर लग जाएगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ऐसी कोई कोशिश नहीं है जो वो नहीं कर रहे। अब यहां दो बातें जो कि मैंने आपको कहा कि ये प्रत्यक्ष तौर पर दिखता है ऐसा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ इसके लिए कि राज्यसभा में ये पारित ना हो समर्थन जुटाने के लिए निकले हैं, लेकिन क्या इस यात्रा को सिर्फ यहीं तक सीमित रखेंगे अरविंद केजरीवाल? क्या विपक्ष में जो नेता बनने की होड़ पिछले कुछ दिनों से चल रही है, आप देखेंगे पूरे विपक्ष में जो भी बड़े नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष की धुरी वो बने और विपक्ष उनके इर्द गिर्द घूमता रहे, केंद्र बिंदु वो बनना चाहते हैं। क्या ये उस कोशिश में भी एक बड़ी जीत नहीं होगी अरविंद केजरीवाल की अगर वो जीत जाते हैं? अगर वो जीतते हैं तो निश्चित रूप से वो उसे इतना सिर्फ वहीं सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि वो ये भी कोशिश करेंगे कि विपक्ष के नेता के बतौर उनको मान्यता मिल गई ये भी बात वो साबित कर सकें। तो इस पूरी कवायद को सिर्फ इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि दिल्ली सरकार के जो अधिकार हैं उनको लेकर जो अध्यादेश केंद्र ने जारी किया है ये सिर्फ उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी आप हाल के दिनों में देखेंगे तो ये जो विपक्षी एकता की धुरी बनने की जो चाहत है वो कई लोगों में पनपी, फिर ठहरी, कहीं थम गई है, कहीं चल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन जरूर है। अब जैसे केजरीवाल निकले हैं तो केजरीवाल के साथ साथ अब उनकी बातों को लेकर, केजरीवाल के साथ न आने को लेकर एक बात कांग्रेस की तरफ से भी उठ रही है। अब केजरीवाल के साथ कांग्रेस नहीं तो विपक्ष की धुरी बनने की उनकी चाहत खत्म हो जाएगी और जो बीजेपी को रोकने की बात है वो भी शायद वो ना रोक पाए। अब जब जिस समय वो अरविंद केजरीवाल यहां रांची आए हुए थे उस वक्त अमेरिका में राहुल गांधी बयान दे रहे थे आपके खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो उनकी एकता यात्रा एक तरफ है और एकता यात्रा से दूरी बनाने वाली जो बातचीत है वो दूसरी तरफ सामने दिखाई पड़ती है। तो बहुत साफ है कि विपक्षी एकता की धुरी बनने की चाहत किसी भी व्यक्ति की तभी पूरी होगी जब पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा नजर आए। ये कोशिश ममता बनर्जी ने भी एक बार कर ली जब वो जीती, तब एक कोशिश उन्होंने की। ये कोशिश नीतीश कुमार इन दिनों बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, विपक्षी एकता को लेकर उनकी मीटिंग भी है 12 तारीख को। अब सवाल यह है कि अगर विपक्ष वाकई एकजुट होना चाहता है
तो उसके लिए एक अच्छा मौका तो है सामने, जब इस अध्यादेश को राज्यसभा में पेश किया जाएगा तब विपक्ष के पास ये पूरा मौका रहेगा कि वो अपने आप को एकजुट दिखाए। क्या विपक्ष ऐसा करने में सफल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इधर हाल के दिनों में देखें तो ज्यों ज्यों वो विपक्षी नेताओं के करीब पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उतनी ही दूरी उनकी कांग्रेस से इधर हाल के दिनों में बढ़ती हुई दिख रही है, और ये दूरी अब थोड़ी मुखर रूप में दिखाई पड़ती है, क्योंकि नेता, कांग्रेस के नेता अब इस पर बोलना शुरू कर चुके हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल को समर्थन नहीं देगी कांग्रेस, ये एक बड़ा सवाल है, और बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता कैसे संभव है, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि क्या इसमें मीडिएट करने की कोशिश कोई कर सकता है, जैसे नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, या शरद पवार हो, क्या कोई बड़ा कद्दावर नेता सामने आएगा जो इसमें बीच में आएगा और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेगा। ये तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल की यात्रा के साथ साथ चलते रहेंगे, तब तक जब तक कि सरकार इस अध्यादेश को लेकर सदन में नहीं आती है। फिलहाल इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2024 के इलेक्शन से पहले इसका एक महत्व है, और इसमें अगर जो जीतता है, अगर विपक्ष जीतता है, तो निश्चित रूप से एक नाम उभर कर सामने आ जाएगा कि विपक्ष के नेता के बतौर इन्हें सर्वमान्य नेता एक तरह से मान लिया गया है। तो क्या विपक्ष यह अफोर्ड कर पाएगा कि वो अरविंद केजरीवाल को ही अपना सर्वमान्य नेता मान ले, या इस पर मतभेद होगा, ये तमाम तरह के प्रश्न हैं जो आने वाले दिनों में जिसके उत्तर मिलने बाकी हैं। हम सब इसका इंतजार करेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।